आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला अपोजिशन रहनुमाओं की टेलीफोन पर मुशावरत। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसविदा तैयार कर दिया। मुसविदे पर 80 से जायद अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद हैं। इखलाक अहमद से बात करेंगे। इखलाक, मुसविदे के मतन के बारे में बताइए, क्या मालूम है आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन के तीन बड़ों साबिक सदर आसफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और रब्तों में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल खूसन तरीके अदम एतमाद के हवाले से तफसीली गौर गोज किया गया है। रब्तों के बाद तीनों कायदीन का वजीर अजम के खिलाफ तरीके अतमाद पेश करने पर इतफाक हो गया, जिसके बाद तीनों कायदीन ने अपोजिशन की जो कमेटी है उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, जिस पर जो है वो अपोजिशन कमेटी ने रब्तों के बाद जो है वो वजीर अजम के खिलाफ तरीके अदम एतमाद पर हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। अपोजिशन ने तरीके अतमाद का मुसवदा जो है वो तैयार कर लिया है। ज़राए के दावे के मुताबिक मुसवदे पर 80 से ज़ायद अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद है। मुसवदे पर मुसलिक नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, फे और PNP मेंगल के अरकान के दस्तखत मौजूद है। अदम एतमाद जो है वो किसी भी वक्त जो है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जा सकती है। जो अपोजिशन का दावा है उसके मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की रेक्विजिशन भी जो है वो तैयार कर ली गई है। जी शुक्रिया इखलाक।